कच्चा नमक खाने के क्या फायदे हैं? यहाँ कच्चे नमक का सेवन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसकी सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि आप नमक का सेवन बढ़ा देते हैं। अच्छी सेहत के लिए हमेशा कम नमक का सेवन करना ही बेहतर होता है। जब आप ऊपर से टेबल नमक या नमक डालते हैं तो आप अपने नमक का सेवन बढ़ा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि नमक के अत्यधिक सेवन से उच्च रक्तचाप, पेट का कैंसर, मोटापा और यहाँ तक कि अस्थमा भी हो जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिना पके नमक के अधिक सेवन से हृदय संबंधी समस्याएं और गुर्दे की समस्याएं होती है। स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन 1.5 से 2.3 ग्राम सोडियम की सलाह देते हैं। फिर भी बढ़ते सबूत बताते हैं कि ये दिशा निर्देश बहुत कम हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप वाले लोगों को प्रतिदिन 7 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, तो वर्तमान में आप जितना नमक खा रहे हैं वह सुरक्षित है। नमक की लालसा आम है और आमतौर पर बोरियत या तनाव जैसे कारकों का परिणाम होती है। कभी कभी नमक की लालसा एक चिकित्सा स्थिति या सोडियम की कमी से जुड़ी हो सकती है। आयोडीन युक्त नमक चुनना एक बुद्धिमान विकल्प है। चूंकि औसत अमेरिकी आहार में सोडियम प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए मसालों, जड़ी बूटियों और अन्य सीजनिंग के लिए अपने नमक के शेकर को स्वैप करना सबसे अच्छा विकल्प है। आप न केवल कम सोडियम आहार के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे, बल्कि आप अपने भोजन के साथ एक अधिक अद्वितीय स्वाद प्रोफाइल का आनंद लेंगे। बहुत अधिक नमक खाने से आपके शरीर में अधिक पानी जमा हो सकता है, जो कि आपके शरीर में दिखाई दे सकता है अतिरिक्त पाउंड के रूप में स्केल। लेकिन हम यहाँ सिर्फ पानी के वजन की बात नहीं कर रहे हैं। उच्च नमक आहार उच्च शरीर में वसा से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, विशेष रूप से उस प्रकार की वसा जो आपके बीच में जमा हो जाती है। कम नमक खाने से वास्तव में आपको वजन कम करने में मदद नहीं मिलती है। नमक में मौजूद सोडियम आपके शरीर को अधिक पानी बनाए रखता है, अन्यथा नहीं। जब आप नमक का सेवन कम करते हैं तो शरीर इस पानी के वजन से खुद को मुक्त कर लेता है, लेकिन यह शरीर की वसा की मात्रा को कम नहीं करता है। नमक छिद्रों को गहराई से साफ करने, तेल उत्पादन को संतुलित करने और मुंहासों को भड़काने वाले बैक्टीरिया को विफल करने में मदद करता है। कोशिश करो, एक छोटी सी स्प्रे बोतल में 4 औंस गर्म पानी के साथ 1 चम्मच समुद्री नमक मिलाएं जब तक कि नमक घुल न जाए। साफ सूखी त्वचा पर धुंध, आंखों से परहेज, दैनिक या 2 बार दैनिक उपयोग करें। चिंता और अवसाद से पीड़ित लोगों के साथ नमक के कमरे बहुत लोकप्रिय हैं। इन 45 मिनट के छोटे सत्रों में रोगियों ने बेहतर मूड, मानसिक प्रदर्शन, नींद और तनाव के निम्न स्तर की सूचना दी है। गंभीर मामलों में शरीर में कम सोडियम के स्तर से मांसपेशियों में ऐंठन, मतली, उल्टी और चक्कर आ सकते हैं। आखिरकार नमक की कमी से सदमा, कोमा और मौत हो सकती है। गंभीर नमक हानि होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि हमारे आहार में पर्याप्त नमक से अधिक होता है। केवल टेबल नमक में आयोडीन होता है क्योंकि यह संसाधित समुद्री नमक में आयोडीन नहीं होता है। जैसा कि इस लेख में पहले कहा गया है, हालांकि समुद्री नमक में आयोडीन नहीं होता है, लेकिन इसमें स्वाभाविक रूप से मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।